मैं आपका मेजबान फिरदौस और इस वक्त हम व्हील इलाके में हैं और यहाँ पर जो सड़क है पूरी तरह बंद कर दी गई है, क्योंकि इसकी जो वजूहत है वो यही है क्योंकि इनको पिछले 3 सालों से पानी मयसर नहीं है। इन्होंने कई बार आला हुकाम के दरवाजे खटखटाए लेकिन और यहाँ पर हमारे साथ हम आपको औरतें भी दिखाएंगे जो खुद यहाँ पर है, जबकि गवर्नमेंट का एक प्लान है जल शक्ति अभियान जिसमें 2021-2022 में हर घर में एक नल दिया जाएगा, लेकिन जब हम जमीनी सतह पर इन चीजों को देखते हैं, जब हम इन जगहों पर जाते हैं जमीनी सतह जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट के दावे हैं वो बिल्कुल नाकस दावे हैं। तुम गई अम ब्रोट नलकान पकड़ा दिल तो त्रावान दार दरवाजन पे नोश आून आप आब नाव न किलोमीटर दूर हमारे जन्म है छोटे रेजर में और मैं हूँ आपका मेजबान फिरदौस और इस वक्त हम व्हील इलाके में और यहाँ पर लोगों ने एहतजाज किया है क्योंकि उनको 3 साल से वो पानी से मुतासिर है, जबकि 2021-22 में गवर्नमेंट का दावा है कि हर घर में पानी और पानी के साथ नल भी मिलेगा, यानी कि पानी सप्लाई 2022 तक चालू की जाएगी जो कि जल शक्ति अभियान का एक नारा है। तो इसी पर हमारे साथ जो एक्जिन है PHE के इरफान साहब, उनसे बात करेंगे क्या वजूहत रही आज तक जो व्हील है 3 सालों से प्रॉब्लम नहीं है। ये इस विलेज में एक मोहल्ला है जिसे पटीपोरा बोलते हैं, जिसकी तकरीबन आबादी 40 से 50 हज़ारों के मुश्किल है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी इलाके से तकरीबन पानी सारे इलाकों में पहुंचता है। ये व्हील का जो गांव है तकरीबन 500 घरों के मुश्किल में है, जिसमें 450 से भी घरों को पानी पहुँचता है। ये कठीपोरा का एक मोहल्ला है, उसमें हमारी डिफिकल्टी है। ये मेरे पास आए भी थे, इनका जो हमने रिवैम्पिंग का प्रोग्राम रेट्रोफिटिंग के अंडर टेंडर भी किया हुआ है जल जीवन मिशन में, उसकी टेंडरिंग प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है। तो उसमें हमने इनको आश्वासन भी दिया लोगों को कि ये काम जल्दी शुरू होने वाला है। तो वैसे भी ये हमको जल जीवन मिशन में ये सारा सिस्टम यहाँ रिवैम्प करना है। मीनवाइल जो इनकी जो प्रॉब्लम है उसको हमने एज ए इंटरम रिलीफ, आप यहाँ देखोगे भी हमने टैंकर सर्विस इनको प्रोवाइड किए हैं 40-50 घरों के लिए। तो ये और हमने अब लोगों से यहाँ के जिम्मेदारान थे मोहल्ले के ये गांव के इनके साथ भी बात की है, तो हमने इनसे कहा कि ये थोड़ा सा हम रेगुलेशन करके कुछ इलाके को बंद करके इनको 1-2 घंटे ज़्यादा रेगुलेशन कर उस पर। लेकिन इनका पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे 3 टैंकर्स हैं, उनका पूरे यहाँ इलाके में पानी भेजना था और बाय रोटेशन इनको हर दिन टैंकर नहीं आ सकता, क्योंकि पूरे 300 विलेजेस जो हैं 323 विलेजेस हैं उनके लिए जो शॉर्टेज एरियाज हैं
उसमें हमारे कैंप्स भी हैं, बहुत सी जगह हैं, उनको हम पानी भेजते हैं, इनको भी ऑन रोटेशन हम टैंकर भेजते हैं। और ईद के दिन थोड़ा सा क्योंकि एडिशनल डिमांड हो गई थी तो दूसरे दिन हमने टैंकर भेजे, आज भी हमने दो टैंकर भेजे हैं, ये बाय रोटेशन आते रहे। गवर्नमेंट का ये 2022 के एंड तक होना है, वो कंप्लीट हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, वो तो हमारा टारगेट है, वो तो हमारा टारगेट है, वो करना ही करना, इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी हैव टू कंप्लीट द टारगेट। और ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इनकी टेंडरिंग में जो मॉडलिटीज होती हैं, जो इनके प्रोसेस होता है, टेक्स टाइम, ये ऐसे नहीं होता कि छोटे लेवल के टेंडर्स नहीं होते, इनमें पाइप मटेरियल का भी एक प्रोसेस होता है, क्योंकि हमें काम के तौर पर हमको क्वालिटी भी एश्योर करना होता है, जो मटेरियल आएगा उसकी एक इंस्पेक्शन होती है, उसकी एक प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेस चल रही है। तो उसी वजह से ये अब ये कैसे पहले डिपार्टमेंट का जो एक प्रोसीजर था वो चेंज हो गया, अब उस प्रोसीजर के साथ काम डेट प्रोसीजर में कोई काम, और ये हमारा टारगेट है ये सारा रिवैम्प करना सिस्टम, ये कोई आगे मौजूदा शर्मा टारगेट तो 2022 से पहले करना ही करना है। ये जो इलाका है मेजर इंटरम पे इस मराठी की बात कर रहे हैं, इनको कब तक मिलेगा? वो तो हमने इंटरम पीरियड के जो रेगुलेशन का सिस्टम है ना, जो हम तो रेगुलेटर रेगुलेट करेंगे पानी, उसके तो हम एक दिन वन भी करेंगे रेगुलेट, लेकिन जो इनकी फुल फ्लेज जो डिमांड है वो तो उस प्रोजेक्ट के तहत ही। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर आप इनको पानी दोगे? इंटरम रिलीज, इंटरम रिलीज तो इनको हम एक हफ्ते के अंदर देंगे। ये थे हमारे साथ पीएचई के एक्सिन इरफान साहब, उनसे हमने जब बात की तो इनका मानना है कि बिल्कुल 2021-22 तक हर घर में नल पहुंचाया जाएगा, जो गवर्नमेंट का मिशन है वो पूरा किया जाएगा। हमने इनसे ये भी पूछा है ये जो इलाका है यहाँ पर पानी 3 सालों से नहीं है, कब तक इनकी डिमांड पूरी की जाए? इनका कहना बिल्कुल इस पर वाजह है कि हफ्ते के अंदर ये जो इलाका है 40 से 50 घर इनको हम पानी देंगे एज पर गाइडलाइन। इसलिए मैं फिर दो सहमत रियल शोपेंस।